हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ऑथेंटिक बंगाली ट्रेडिशनल माछ पतोरी रेसिपी। देखिए, मैंने यहाँ पर छोटा छोटा मछली लिया है, नमक हल्दी और मिर्च पाउडर लिया है, यहाँ पर खूब सारा मछली है, थोड़ा सा प्याज लिया है अच्छे से चॉप करके, इलायची धनिया और नॉर्मल धनिया जो मार्केट में मिल जाता है वो लिया है। यहाँ पर फिश है, बाइला फिश, टेंगरा फिश, उसके बाद है टाकी फिश, बहुत सारा फिश है जिसका मुझे हिंदी में भी नाम पता नहीं है, इंग्लिश में भी नाम पता नहीं है। देखिए, खूब सारा प्याज जो मैंने चॉप करके रखा था वो भी लिया है। ये देखिए बिलायती धनिया और ये है नॉर्मल धनिया। अगर आपके पास बिलायती धनिया नहीं है तो आप नॉर्मल जो धनिया हमारे मार्केट में अवेलेबल मिलता है वो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा। देखिए, सभी मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, प्याज, धनिया पत्ता, फिश को मम्मी ने अच्छे से मैरिनेट करके लिया है। फिर भी और इसको ज़्यादा अच्छे से मसल लेंगी ताकि इसमें से एकदम फ्लेवर अच्छे से आए। तो ये जो डिश है वो बना रही है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी सिलचर के मेरे जो रेंटेड रूम है वहाँ पर आई है, तो ये डिश मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मी को ये फरमाइश दिया था कि मम्मी प्लीज़ इसको बनाओ, और इसको हम बोलते हैं पातूरी, जो कि मम्मी बनाना लीफ में बनाएंगी। इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा हम बनाना लीफ में भी डाल देंगे। बनाना के जो लीफ है उसको मम्मी ने अच्छे से काट लिया था और काट के धो लिया था, और थोड़ा सा इसको मैंने मम्मी ने क्या किया, गैस में थोड़ा सा इसको सेक लिया है ताकि जो ये पत्ता है इसको फोल्ड करने के वक्त वो टूटे ना और ये अच्छे से पैकेट बनाना मतलब बना सके। अगर आप इसको सेकते नहीं हो तो ये नरम नहीं होगा और ये क्या कर मतलब फोल्ड करते वक्त ये टूट जाएगा, फट जाएगा। तो इसको सेक लिया है इसलिए ये थोड़ा काला काला लग रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपका जो पैकेट आप बनाओगे अच्छे से पैक हो जाएगा। तो सभी फिश को देखिए एकदम दो पत्ते के मिडिल में सेंटर में डाल दिया है, और इस बोल में थोड़ा सा पानी लेके मम्मी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा, ताकि जो फिश है उसको मतलब बॉयल होने में थोड़ा मदद मिल जाए। थोड़ा सा पानी इसमें मम्मी ऐड कर देंगी। आप इसमें रेड चिली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो ताकि इसमें से जो कलर है इसका वो कलर अच्छा आए, और ये जो डिश है थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। अभी मम्मी इसका जो सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है जो कि मुझे लगता है वो करने की कोशिश करी है, जो केले का पत्ता है इससे वो इसका पैकेट बनाएगी, और इसका पैकेट जो है बनाएगी उसके बाद उसको सील भी वो बनाना के जो लीफ के जो मिडिल में पोर्शन होता है उसी से ही वो इस बांध के इसको सील करेगी। इसके लिए वो कोई भी थ्रेड या दूसरी चीज़ का यूज़ नहीं करेगी। तो देखिए, मम्मी ने इसको देखिए कितना अच्छे से पैकेट बना लिया है, जो कि मुझे एकदम भी बनाना नहीं आता। और ये जो लंबा सा आप मतलब थ्रेड जैसा पोर्शन, थ्रेड जैसा चीज़ देख रहे हो वो भी बनाना का ही पार्ट है। तो ये जो डिश है एकदम ऑथेंटिक है, ये बांग्लादेश से इंस्पायर्ड है, जो हमारी दादी नानी सभी बनाते हैं, और वेस्ट बंगाल के लोग इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। इसको तवे में थोड़ा सा तेल में डाल के फिर केले के पत्ते में बनाते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, हम इसको एकदम मिट्टी के चूल्हे में भी बनाते हैं, तब इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा होता है। मिट्टी के चूल्हे में, आग में नहीं उसके कोयले में बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर तो मिट्टी का चूल्हा नहीं है तो अब हम इसको गैस पे ही बनाएंगे। तो देखिए, एकदम हमारा पातूरी बनने के लिए एकदम तैयार है। गैस में मम्मी ने दे दिया है तवा, तवा पर चढ़ा दिया है हमारा केले का पत्ता का पैकेट, और इसको छोटे से एक गमले से ढक दिया है। थोड़ा सा गमला हम पलट के देख लेंगे कि कैसा कंडीशन है। तो हमारा पातूरी में से थोड़ा सा पानी निकल रहा है, जो कि एकदम अच्छी बात नहीं है। पानी निकलने से मतलब इसका टेस्ट भी मतलब कम हो जाएगा। सभी तरफ से हम इसको पका लेंगे। अभी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कितना बॉयल हुआ है अंदर का जो फिश है। ये जो डिश है ये बहुत ही टेस्टी है, इसमें आपका मछली का फ्लेवर भी आएगा, धनिया पत्ता का फ्लेवर भी आएगा, और ये जो केले का पत्ता है उसका भी फ्लेवर आएगा। तो
थोड़ा सा और इसको बॉयल होने की ज़रूरत है। इसको फिर से थोड़ा और फोल्ड कर देंगे मम्मी, और इसको थोड़ी देर के लिए और फिर से हम इसको ढककर बनाएंगे। तो देखिए करीब 5-6 मिनट के बाद हमने निकाल लिया है इसको, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसको बनाइए, खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।